दोस्तों आज की वीडियो अपनी बहुत ज्यादा अलग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूँ कि जो टेक्निकल गुरुज ने 3 दिन पहले की वीडियो डाली थी ऑनर 8C के बारे में, उसके अनबॉक्सिंग करते हुए, तो उन्होंने उसके बारे में थोड़ा सा कुछ ऐसा कहा कि जो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा इस हिसाब से, इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि मैं से कोई ऐसी कोई पर्सनली दुश्मनी तो है नहीं, या मैं उनको डिसलाइक करता हूँ, तो मैं तो सबसे ज्यादा लाइक करता हूँ टेक्निकल गुरु जी को, रेस्पेक्ट करता हूँ पूरी, तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि मैं उनके खिलाफ वीडियो बना रहा हूँ। तो बस मैं बता रहा हूँ, अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा वो कहते तो ज्यादा प्रभाव पड़ता, क्योंकि उनके पास सब्सक्राइबर्स गेन ज्यादा है, उनकी ऑडियंस ज्यादा है, तो जो वो कहेंगे वही ऑडियंस मानेगी, और उन्हें थोड़ा सा गलत कहा तो जो मुझे अच्छा लगा तो इसी वीडियो में जानेंगे। तो हे नमस्कार दोस्तों, मैं ना मैं आप सभी देख रहे तो उन्होंने क्या कहा, पहले अभी वीडियो देख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ उन्होंने एक्चुअली कहा क्या और उसका मतलब उनको क्या कहना चाहिए। तो पहले आप वीडियो देख लो, है वो भी एक 4000 mAh की बैटरी है और 632 की दोस्तों अपने आप में काफी एफिशिएंट प्रोसेसर है, तो आपको बैटरी लाइफ इसके अंदर मेरे ख्याल से आराम से 1.5 से 2 दिन की मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो डिजाइन है वो थोड़ा सा यूनिक है, हालांकि ये बना है प्लास्टिक से लेकिन दिखने में थोड़ा सा दोस्तों यूनिक लगता है यहाँ पे अपने 2-टोन फिनिश के साथ में। तो ये है दोस्तों यहाँ पे ऑनर का 8C। बाकी तो उन्होंने इस वीडियो में बोला कि इस स्नैपड्रैगन 632 के साथ प्रोसेसर के साथ आता है, 12000 इसकी प्राइस है और काफी ज्यादा एफिशिएंट है ये फोन, मतलब प्रोसेसर काफी एफिशिएंसी इसका प्रोसेसर के अंदर यूज किया गया है और 4000 mAh की बैटरी यूज की गई है, तो फोन काफी अच्छा है, लुकिंग में अच्छा है। तो लुकिंग तो उनका पर्सपेक्टिव है, अपनी ओपिनियंस होते हैं कि क्या उनको अच्छा लगता है क्या नहीं लगता, ओपिनियंस में छोड़ो, मगर स्नैपड्रैगन 632 रियली मैं पूछना चाहता हूँ कि अच्छा है, आप क्या लगता है 12000 में स्नैपड्रैगन 632? अभी रिसेंटली एक फोन आया है Zenfone Max Pro M2, वो आपको स्नैपड्रैगन 660 दे रहा है 13000 रुपीज में विद 5000 mAh की बैटरी के साथ और इतनी अच्छी कैमरा क्वालिटी के साथ, क्या वो फिर बेकार है? सिर्फ 1000 रुपए महंगा है और क्या सब आपको स्पेसिफिकेशन दे रहा है? सब कुछ स्पेसिफिकेशन दे रहा है और मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि आजकल कोई 1000 रुपए एक्स्ट्रा देकर अच्छी चीज लेना पसंद नहीं करेगा, मेरे हिसाब से सभी पसंद करेंगे। तो क्या आप बताइए, आपको क्या लगता है कि वो फोन अच्छा हुआ जिसमें स्नैपड्रैगन 630 यूज किया गया है, उसकी प्राइस 12000 रखी गई है, 4000 mAh की बैटरी के साथ आता है, रियलमी 2 प्रो आपको देखने को मिल जाता है, सबसे बेस्ट Zenfone Max Pro M2 जो अभी कल आया, मैंने उस पर वीडियो बना रखी है, नहीं देखी तो नीचे लिंक मिल जाएगी, जाके देख लेना। तो उसमें आपको 660 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 12+5 MP का कैमरा पिक्सल देखने को मिलता है, रियर कैमरा देखने को मिलता है, 13 MP का फ्रंट देखने को मिलता है, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, गोरिल्ला ग्लास 6K प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, मतलब यानी कि काफी मजबूत होने वाला है, आपके साल में लगभग 10-12 बार भी गिरेगा तो वो टूटेगा नहीं, इजीली नहीं टूटने वाली स्क्रीन। तो इतनी सारी चीजें आपको 13000 में मिलती है और वो ऑनर रेट से 12000 में आपको लूट रहा है स्नैपड्रैगन 632 लेकर, क्या है इतना बेकार है? Adreno 506 GPU के साथ वो आपके पास आएगा प्रोसेसर, अच्छा नहीं है बिल्कुल भी ऑनर 8C मेरी मानो, लुकिंग भी मेरे को तो कुछ खास लगी नहीं इस फोन के बारे में, बस मेरे को ओपिनियन। तो मेरा क्यों बनता है इस वीडियो को बनाने का वर्थ, मैं इसलिए बनता है क्योंकि अब टेक्निकल जो ने कहा कि स्नैपड्रैगन 632 काफी ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेसर है, तो लोग तो वही सोचेंगे कि यार इतना बड़ा यूट्यूबर है गलत तो कहेगा नहीं, तो वो ये सोचेंगे लोग, इसलिए तो उनको गलत मैसेज आ रहा है कि 13000 में जब आपको स्नैपड्रैगन का 660 मिल रहा है क्वालकॉम का, तो आप क्यों स्नैपड्रैगन 632 पे जाओगे, क्यों ऑनर से इतना बेकार फोन लोगे तो 4000 mAh की बैटरी के साथ आता है। अब उन्होंने क्यों कहा, इस पे भी एक पीछे ये कारण हो सकता है कि अगर वो ऐसे बोलते थे कि स्नैपड्रैगन 632 बेकार प्रोसेसर है, इसके अलावा तुम और कोई फोन की तरफ जाइए, तो क्या पता उनको कंपनी फोन देना बंद कर देती, ये होता है अगर आप किसी कंपनी की बुराई कर दोगे तो कंपनी आपको अगली बार से फोन देना अपना बंद ही कर देगी, तो ये कारण हो सकता है कि उन्होंने इसके बारे में इतनी बुराई नहीं करी, उन्होंने कुछ भी बुराई नहीं करी, बस बता दिया ये फोन ऐसा है और उसकी प्राइस बता दी। तो उनको अपने ओपिनियंस भी शेयर करने चाहिए, जैसे कि लोगों को पसंद आए कि हाँ ये उनको फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोग वीडियो देखते हैं कि वो अपने ओपिनियंस दे जो वो जिसकी यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं। तो मेरा ओपिनियन आप बिल्कुल फोन की तरफ मत जाइए, आप Zenfone Max Pro M2 जा सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छा फोन है, Realme 2 Pro की तरफ जा सकते हैं, Realme U1 पे भी मत जाना, इतना अच्छा फोन नहीं है, सिर्फ सेल्फी लवर्स के लिए फोन है। तो बस यही था मेरा मेन मोटिव, तो मेरा मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल गुरुजी को अपना ओपिनियन देना चाहिए तो फोन के बारे में कि अच्छा है कि नहीं, अब कोई बात नहीं दिया तो बस मेरा हक था आपको बस बताना, मैंने बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, पसंद आए तो वीडियो को करना बड़ा सा लाइक करना और वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि ऑनर 8C इतना अच्छा स्मार्टफोन नहीं है, Zenfone Max Pro M2 बेस्ट स्मार्टफोन है अभी तक का। तो मैं मिलता हूँ आप सभी को ऐसी अगली और ब्रांड न्यू वीडियो में।